दोस्तों, आप जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस प्रकार से आपको कुछ वहाँ पर एड्स दिखाई देती हैं। कोई भी वेबसाइट जो कि मोनेटाइज्ड है और गूगल एडसेंस से लिंक्ड है तो वहाँ पर ये एड्स दिखाई देती हैं। ये एड्स कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वीडियो एड्स, बैनर एड्स, साइड बार एड्स और टेक्स्ट एड्स। कई बार ये एड्स किसी वेबसाइट पर इतनी हो जाती है कि किसी यूज़र को वेबसाइट को यूज़ करना ईजी नहीं रहता। इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ब्लॉक एड्स ऑन वेबसाइट परमानेंटली। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी वेबसाइट पर जो एड्स हैं उनको ब्लॉक करने की क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले अगर आप किसी वेबसाइट पर दी गई जो एड्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं तो आपको उस वेबसाइट को यूज़ करना काफ़ी इजी रहता है। जैसे कि अनवांटेड पॉपअप्स होते हैं, बैनर एड्स, टेक्स्ट एड्स जो कंटेंट के बीच में आती हैं या साइड बार में आती हैं, तो कई बार वेबसाइट को जो है ये यूज़ करना इजी नहीं रहता है। तो अगर ये हम जो एड्स हैं इनको ब्लॉक करते हैं तो वेबसाइट को यूज़ करना काफ़ी इजी रहता है। सेकंड, कई बार क्या होता है कि इन एड्स की वजह से जो थर्ड पार्टी सिस्टम्स है वो हमारी वेबसाइट में एंटर कर जाते हैं। तो अगर हम ये एड्स इन एड्स को ब्लॉक करते हैं तो हम अपनी जो वेबसाइट की प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई बार इन एड्स की वजह से हमारी वेबसाइट में मालवेयर जो है एंटर कर जाता है, जो हमारी जो वेबसाइट है उसको हार्म करता है, और कुछ ऐसे कोडिंग्स होती हैं जो हमारी वेबसाइट को ट्रैक करती हैं। तो अगर हम ये एड ब्लॉकर यूज़ करते हैं तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन द लास्ट, अगर हम इन एड्स को जो अपनी वेबसाइट से ब्लॉक करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनकी जो स्पीड है ऑटोमेटिकली काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ क्रोमे एक्सटेंशन टू ब्लॉक एड्स के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा हाउ टू इंस्टॉल एड ब्लॉक एक्सटेंशन। सबसे पहले जिस एड ब्लॉकर की हम बात करेंगे उसका नाम है एड ब्लॉक प्लस फ्री एड ब्लॉकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख प्लस यूज़र ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख से भी ऊपर इसके रिव्यू आ रखे हैं यहाँ पर। इस एक्सटेंशन की हेल्प के साथ आप फेसबुक एड्स हो या यूट्यूब एड्स हो उनको ब्लॉक कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन जो है उन एड्स को ब्लॉक करती है जो आपका जो वेबसाइट को ट्रैक करती है और आपके डाटा को सेव करती है। तो ये वायरस को ब्लॉक करती है, मेलवेयर को ब्लॉक कर देती है जो कि किसी भी पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में हिडन होती है। लास्ट इसको 19 मई को अपडेट किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो एड्स को ब्लॉक करती है। इसकी हेल्प के साथ आप बैनर एड्स, पॉपअप्स को ब्लॉक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर ट्रैकिंग भी जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी जो सेफ रहती है। और जो एड्स को ब्लॉक करने के साथ आपको फास्टर ब्राउजिंग मिलती है किसी भी वेबसाइट। तो जस्ट आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोमे इसको करना है और अपने जो क्रोमे ब्राउज़र है उस पर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर राइट अपर कोने में इस प्रकार से इसका आइकॉन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके सेटिंग्स देख सकते हैं। किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पर आपको जो एड्स हैं उनको ब्लॉक करना है तो आपको उस वेबसाइट के लिए इसको ऑन करना होगा। दूसरा बेस्ट एड ब्लॉकर फॉर क्रोम है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा, उसका नाम है एड गार्ड एड ब्लॉकर। देख सकते हैं 10 लाख प्लस यूज़र्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, 51,000 के ऊपर इसके रिव्यू आ रखे हैं आप यहाँ पर। इसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी ट्रैकिंग को रोक सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है पेजेस की उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं एड्स को ब्लॉक करके, और ये सेव द बैटरी लाइफ ऑन योर डिवाइस। इसे यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट से जो बैनर एड्स हैं उनको हटा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप ब्लॉक ऑल एड्स, वीडियो एड्स इंक्लूडिंग यूट्यूब की जो एड ब्लॉक की यूट्यूब की जो एड्स हैं उनको भी ये ब्लॉक करता है। अनवांटेड पॉपअप्स जो होते हैं, बैनर्स होते हैं, टेक्स्ट एड्स होते हैं, इंक्लूड्स फेसबुक पर भी ये उनको भी ब्लॉक करता है। ये स्पीड अप पेज लोडिंग जो आपकी पेज की स्पीड को लोड इंक्रीज़ करता है, लोडिंग जो स्पीड होती है प्राइवेसी को सेव करके रखता है ये, और ये स्पाई व एडवेयर जो मालवेयर होते हैं उनसे आपको सेव करके रखता है आपकी वेबसाइट को। इंस्टॉल करने का सेम प्रोसेस है, यहाँ पर ऐड टू क्रोमे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड गार्ड एड ब्लॉकर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से इसको पिन करेंगे तो राइट अपर कोने में क्लिक करने पर इसके आइकॉन पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फिलहाल का यहाँ पर कोई भी जो एड ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसका स्टेटस दिखाई देगा नीचे।
के एक्शंस हैं वो सारे दिखाई देंगे। ब्लॉक एड्स ऑन योर वेबसाइट, ओपन फिल्टरिंग लॉग रिपोर्ट एंड इशू। तो अगर किसी वेबसाइट पर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल डॉट को डॉट इन के लिए प्रोटेक्शन यहाँ पे इनेबल हो चुकी है। अगर इस वेबसाइट पर कोई ऐड दिखाई देगी तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। थर्ड एड ब्लॉकर फॉर फ्री, जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, उसका नाम है होला एड रिमूवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 1 लाख प्लस यूजर्स को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और 396 इसके रिव्यू रखे हैं। इसका आइकॉन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो ये एड ब्लॉक एक्सटेंशन जो एड्स हैं उनको रिमूव करती है, ब्लॉक मेलवेयर करती है और जो ट्रैकिंग है उसको भी ब्लॉक करती है। ए फ्री एड रिमूवर दैट ब्लॉक्स एनोइंग एड्स मेलवेयर एंड ट्रैकिंग, 100% फ्री एड ब्लॉकर फॉर क्रोमे। तो इंस्टॉल करने का सेम प्रोसेस रहेगा, ऐड टू क्रोमे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे होला ऐड रिमूवर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से इसको पिन करेंगे तो इसका आइकॉन आपको दिखाई देगा राइट अपर कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है आपको। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, एड्स ब्लॉक्ड 0 ऑन दिस पेज एंड 0 इन टोटल। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। किसी भी वेबसाइट पर अगर आपको जो नॉर्मल एड्स हैं उनको ब्लॉक करना है तो ये काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्रोमे एक्सटेंशन टू ब्लॉक एड्स, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसका नाम है एड ब्लॉक बेस्ट एड ब्लॉकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको उसका आइकॉन दिखाई देगा, 10 लाख प्लस यूजर ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और ऑथेंटिकेटेड ये क्रोमे एक्सटेंशन है। तो 2,96,063 जो इसके रिव्यू आ रखे हैं, काफ़ी रिव्यूज़ आ रखे हैं। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, से गुड बाय टू अनस्किपेबल वीडियो एड्स। तो जो आपकी जो वीडियोस में अनस्किपेबल वीडियो एड्स आती हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पर? यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विच एंड ऑल ऑफ योर फेवरेट वीडियो साइट्स पर। इम्प्रूव योर सोशल मीडिया एक्सपीरियंस, इसकी हेल्प के साथ आप एड्स को रिमूव कर सकते हैं, जो आपका यूज़ करने का सोशल मीडिया एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प के साथ आप जो पॉपअप्स आते हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं, वीडियो प्रमोशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। 1 मई को इसको अपडेट किया गया था। इसकी हेल्प के साथ आप YouTube, Facebook, Twitch और अदर वेबसाइट्स जो एड्स होती हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन जो आईफोन, सफारी, ओपेरा, फ्रोम, तो यहाँ पर भी इसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम पर इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको पिन करना है। तो आपको इसका आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है आपको। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका डैशबोर्ड सा दिखाई देगा। ब्लॉक्ड एड 0 है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप इस वेबसाइट पर भी, मैंने इसको ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर अगर पोस्ट करना चाहते हैं वंस, ऑलवेज अगर करना चाहते हो ऑलवेज कर सकते हैं। इन दी लास्ट, जिस बेस्ट एड ब्लॉकर फॉर फ्री के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसका नाम है एड ब्लॉकर अल्टीमेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 लाख प्लस यूजर्स को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, 44,920 इसके जो रिव्यूज़ आ रखे हैं इस एड ब्लॉक के एक्सटेंशन के। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ब्लॉक ऑल एड्स, एड्स आर नॉट वेलकम, ब्लॉक ऑनलाइन ट्रैकर्स, जो एड्स के साथ ट्रैकर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है आपकी वेबसाइट पर, ब्लॉक मैलिशियस एंड फिशिंग डोमेन्स। और फिशिंग का आजकल काफ़ी दौर है, हर वेबसाइट पर ये होता है, हैकर्स इसके लिए तैयार रहते हैं, तो उसको भी ब्लॉक करता है। रिड्यूस पेज लोडिंग टाइम, तो एड्स को ब्लॉक करने के साथ ही आपकी जो वेबसाइट की पेज की वेबसाइट जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसकी हेल्प के साथ आप ये भी कर सकते हैं। एड ब्लॉक का अल्टीमेट एक फ्री एक्सटेंशन है जो किसी भी वेबसाइट पर एड्स को ब्लॉक करता है। तो इसको भी इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, यहाँ पर जस्ट आपको ऐड टू क्रोमे पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी ये एक्सटेंशन है इंस्टॉल हो चुकी है, एड ब्लॉक का अल्टीमेट। जस्ट इसको पिन करना है, इसके आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। किसी भी वेबसाइट के लिए अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी जितनी भी एड्स आपकी ब्लॉक होंगी उसकी आपको काउंटिंग यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसकी सेटिंग्स है यहाँ पर कुछ, तो उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ एफिलिएट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, ज़रूर चेक कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।